हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर के बासड़ा धनजी गांव का एक मार्ग गांव की शान बन गया है। किसी ने ठीक कहा है कि कोई काम करने की मंशा में जोश हो तो अंजाम सुकून भरा होता है। कुछ ऐसे ही काम को अंजाम दिया बासड़ा धनजी ग्राम पंचायत के सरपंच ईश्वर सिंह बालावत ने। पंचायत भवन से तालाब को जोड़ने वाले 1200 फीट लंबे मार्ग को बनाने में एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया और एक मिसाल पेश की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड को 22 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है। इसमें से 16 फीट का लॉकिंग ईंटों का रोड बनकर तैयार हो गया है और 3-3 फीट की साइड पटरी बनाई जा रही। सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण व रोड लाइट लगाई जाएंगी। सरपंच ईश्वर सिंह बलावत ने बताया कि गांव में विकास कार्य लगातार जारी है, साथ ही गांव से तालाब तक को जोड़ने वाले इस मार्ग को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। गांव के विकास में लोगों का पूरा सहयोग है। वहां उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क की चौड़ाई कई बार कम होने से परेशानी होती है। सड़क तो बन जाती है लेकिन चौड़ाई कम होने से एक वाहन चालक को सामान से वाहन आने पर वाहन सड़क से नीचे उतारना पड़ता है। इस समस्या के निवारण के लिए योजना बनाकर चौड़ाई को बढ़ाया गया। वहीं पौधारोपण पर भी विशेष फोकस रहेगा। गांव के पारसमल राजपुरोहित ने बताया कि गांव के सरपंच ईश्वर सिंह बालावत योजनाबद्ध तरीके से गांव के विकास में जुट गए हैं। जो मार्ग बनाया जा रहा है उससे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सफल भी हुए हैं। और ये रोड मतलब नरेगा में 11 फीट थी, उसके अलावा हमने पंचायत से अतिरिक्त बजट फंड लेकर ये हमने 16 फीट इसकी जो साइज बढ़ाई, क्योंकि जो 11 फीट में मतलब एक ही कोई भी चार पहिया वाहन वगैरह चलता है तो दो आमने सामने होते तो क्रॉस नहीं हो सकता, इसके लिए हमने ये रोड चौड़ी बनाई। और ये रोड लगभग हमारे हिसाब से सबसे हमारे पंचायत समिति की सबसे अच्छी रोड है, हमारे हिसाब से हमने बनाई है, बहुत व्यवस्थित रोड है। जागरूक टीवी के जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।